हाय फ्रेंड्स, मैं नेहा, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉर्न हस्क की बनी हुई डॉल। देखिए कितनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस डॉल है, लग ही नहीं रहा है कि कॉर्न हस्क से बनी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है, थोड़ा सा उसका पीस, और उसको नॉर्मल हम रैप कर रहे हैं। देखिए गोल गोल घुमाते जा रहे हैं, बस रफली घुमा रहे हैं इसको, और हमें एक सर्कल की शेप देनी है इसे। अब बस रफली इसे थोड़ा सा रब करेंगे, और उसके बाद सेंटर में इसमें कट करने के बाद में सीजर की हेल्प से एक स्टिक इसके अंदर लगा देंगे। नॉर्मल स्टिक मैंने यहाँ यूज़ की है, और इस स्टिक को थ्रेड की हेल्प से, किसी भी थ्रेड की हेल्प से हम यहाँ पे अटैच कर दें इसके फेस से डॉल की, और नॉट बना देंगे। देखिए नॉट भी कितनी सिंपल है। अब बस हमारा फेस अटैच हो गया है। उसके बाद एक देखिए मैंने कॉर्न हस्क लिया है, इसको सेंटर से हम थोड़ा सा गोल घुमाया, और फेस के ऊपर रख के इसको कवर करना है हमें। सेंटर से बहुत टाइट होना चाहिए ताकि उभरा उभरा ऊपर से ना दिखे, और थोड़ा सा खोल के इजली खुल जाता है। खोलने के बाद में इसको थ्रेड की हेल्प से फिर से यहीं पे हम घुमा के, थ्रेड को राउंड घुमा के हम इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए फिर से ये अटैच कर दिया हमने इसको। अब यहाँ इसके बाद में हम इसके हैंड बनाएंगे। हैंड बनाने के लिए एक वायर का यूज़ किया है मैंने, फ्लावर वायर का, और जितने बड़े हमें हैंड चाहिए उतना मेजरमेंट लेके उतने उस वायर को हम 2-3 times हमने उसको घुमा दिया है। जितनी हमारी वायर थी उसको 3 times घुमाया, थोड़ी सी बची थी उसे भी रैप कर दिया है। अब देखिए खुले ना वायर, इसलिए मैंने थ्रेड से भी कर दिया था। अब वायर को कवर करने के लिए पतले पतले पीसेस लिए हैं कॉर्न हस्क के, और उसको ग्लू गन की हेल्प से देखिए कितनी आराम से लग रहा है। थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएंगे हम, और इसको बस रैप करते जाएंगे। ऐसे ही हम पूरा हैंड इसका कॉर्न हस्क से रैप कर देंगे। अपनी डॉल की ड्रेस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम डॉल की ड्रेस को कलर करते हैं, तो उसके लिए पहले हम हस्क को कलर कर लेंगे। तो पहले वाटर लिया हमने, वाटर को बॉयल करने के बाद इसमें हमने कलर डाला है। कलर इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। फिर हम बॉयल हो जाएगा एक बार वाटर, उसके बाद हस्क को डालेंगे धीमे धीमे, और फिर 2-3 minutes तक इसको गैस पे ही रखेंगे। फिर 15 minutes के लिए छोड़ने के बाद में इसको निकाल लेंगे हस्क। देखिए अब हमारे कलर हो गए हैं। थोड़ी देर अब हम इसे सूखने देंगे, सूखने के बाद में इसको यूज़ करेंगे। देखिए मैंने ये ऑरेंज कलर का भी ऐसे ही सेम कलर कर लिया था। अब इसको हैंड के ऊपर लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा जैसे फैन बनाते हैं वैसे हम नीचे से इसको पास पास में कर लेंगे, और हैंड में साइड में लगाएंगे बाहर की तरफ निकालते हुए। वैसे तो हम इस कलर की जगह पे हम नॉर्मल एक्रेलिक कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट एक्रेलिक कलर अगर हम यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा लगता, और ये वाला एक पैकेट मुझे 7 rupees ईच मिला था, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और अगर एक्रेलिक कलर करते हो तो हमारी एक बॉटल ईजली पूरी लग जाती है इसमें। तो देखिए बस इसको हाथ को रैप करने के बाद में इसको पीछे की तरफ टर्न कर लिया, तो देखिए थोड़ा। अब हमको जितना बड़ा अपना हैंड रखना है हम उसको मेज़र कर लेंगे पहले, उसके बाद हम पीछे की तरफ से भी इसको थ्रेड से रैप कर देंगे। यहाँ पे बहुत ईजली रैप हो जाता है। नॉट लगा ली। अब हमने बस ग्लू की हेल्प से जो हमारा पोर्शन देखिए बीच में खुला खुला दिख रहा है उसको ग्लू की हेल्प से हम चिपका देंगे। देखिए चिपक गया है, बहुत ईजली चिपक जाता है फ्रेंड्स इससे। और देखिए कितनी इजी वे में डॉल कितनी सुंदर लगेगी। अभी आप देखिएगा कि कोई अगर आप किसी को दिखाएंगे तो कोई बोलेगा कि नहीं किस चीज़ से बनाई है आपने। तो अब बस देखिए हमने जैसे एक हैंड बनाया वैसे ही दूसरा हैंड कंप्लीट करेंगे, और इसके नेक पे जो थोड़ा सा थ्रेड दिख रहा था उसको छोटे से पीस से हमने कवर कर दिया है, और दूसरा हैंड भी हमारा रेडी हो गया है। उसको नेक के जस्ट नीचे हम चिपका देंगे ग्लू की हेल्प से, और अब इसको यहाँ पे और मजबूती देने के लिए थोड़ा सा मैंने थ्रेड रैप कर दिया है हर साइड से, राइट और लेफ्ट, आगे पीछे हर तरफ से, ताकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए यहाँ से। अब छोटे छोटे पीसेस लेके इसको थोड़ा हेल्दी बनाएंगे हम। अब बस ऐसे ही देखिए हमने थोड़े थोड़े पीसेस लेके छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, और इनको रैप करते जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर ये बॉडी की शेप लगने लगेगी। देखिए एक बार राइट की तरफ से लगाया, एक बार लेफ्ट की तरफ से, सेम ऐसे ही हम एक बार और लगाएंगे ताकि थोड़ा सा और ये हेल्दी हो जाए। देखिए अब हमने फिर से राइट की तरफ से लगाया है, पीछे से आगे की तरफ लाएंगे और आगे फोल्ड कर देंगे, इवनली फोल्ड करेंगे पीछे ले जाके, ताकि नीचे मैसी ना लगे थोड़ा सा। अब देखिए बस थ्रेड से इसको थोड़ा सिक्योर कर देंगे ताकि खुले ना। अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हमें पहले की तरह ऑरेंज जैसे हमने हैंड बनाए थे
सेम ऑरेंज कलर से अब बस हमें कवर करना है। देखिए जैसे मैंने पहले हस्क लगाए सेम वैसे अब ऑरेंज कलर के हस्क को हम लगाएंगे। इसको रैप करने के लिए एक बार लेफ्ट से राइट से लगाया है, अब एक बार लेफ्ट के साइड से लगाएंगे। देखिए कितनी इजी लग जा रहा है, अब इसका लुक पता लग रहा होगा, थोड़ा इवन आ रहा है ये। और ऐसे ही बस हमने लगा दिया। अब साइड में अगर आप देखें तो साइड्स में इसमें थोड़ा सा कलर पीछे दिखाई दे रहा है, तो उसको भी कलर करने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा हस्क यूज़ किया है। और ग्लो की हेल्प से इसको देखिए चिपकाएंगे ऐसे कि हमारा साइड से बिल्कुल भी नीचे वाले हस्क ना दिखाई दे। अब ऊपर से लेके आएंगे उसको भी इवन ऐसे ही एकदम चिपका देंगे। ये देखिए कितने आराम से, और नीचे ग्लू लगा देंगे ताकि एकदम बहुत इवन होके चिपक जाए और पीछे का बिल्कुल भी ना दिखाई दे। ऐसा होम डेकोर भी कर सकते हैं, किसी फ्रेंड्स का बर्थडे हो तो उसे हैंडमेड डॉल बना के दे सकते हैं, तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट लेके जाना है तो उसमें भी आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब जो हमने आपको दिखाया थे कि हस्क को मैंने कलर किया था, अब उनका यूज़ करेंगे। इसको बस थोड़ा सा ऊपर नीचे से कट कर लिया है, सेम जैसे फैन बनाने के लिए नीचे से हम थोड़ा सा पास पास करते हैं वैसे हमने करा है। और इसको आप ध्यान से देखिए, हम नीचे की तरफ नहीं रख रहे हैं, हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, फेस की तरफ इसके सारे हस्क को ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जब इसे हम खोलेंगे तो सब नीचे आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी एक फ्रॉक का लुक देगा। और अब इसे बहुत पास पास रखेंगे, क्योंकि मैं वैसे तो केवल 4 हस्क लगाते तो भी ये बहुत अच्छा बनता, बट मैं अपनी डॉल के जो फ्रॉक है उसको थोड़ा सा फ्रिल वाला बनाना चाह रही थी, मीन्स उसमें बहुत घेर हो, तो इसलिए मैंने बहुत सारे हस्क का यूज़ किया है और पास पास रखा है ताकि मैं उसकी फ्रिल जैसी बना सकूँ, बहुत थोड़ी फैली हुई हो। और अगर आप इसमें किसी और कलर से बनाना चाहते हैं तो किसी और कलर की भी बना सकते हैं, और ज़्यादा फ्रिल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप और ज़्यादा हस्क का यूज़ करिएगा। तो जितना ज़्यादा हस्क लगाएंगे आप उतनी ज़्यादा फ्रिल बनेगी। अब बस देखिए थ्रेड को रैप कर देंगे थोड़ा सा अच्छे से, देखिए बस रैप हो गया, नॉट बना दिए, अब यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, अब नॉट बना देंगे इसमें। इसके बाद हम जो नॉर्मल हमारे हस्क हैं उनको यूज़ करेंगे ताकि नीचे से थोड़ी सी थिकनेस आए। यहाँ पे मैंने पूरे एक कॉर्न के हस्क को यूज़ किया है केवल नीचे बैक में लगाने के लिए। आप देखिए बस उसको लगाते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लगाते जा रहे हैं, बहुत सारे लगाए ऐसे ही हम चारों तरफ इसमें लगा देंगे। और बस इसको लगाने के बाद में इसको थ्रेड से बहुत मजबूती से बांध देंगे ताकि बिल्कुल भी ये निकले ना। देखिए सारे हमारे लग गए हैं और थ्रेड से हमने इसको बांध दिया है। अब इसको देखिए हम सीधा करते हैं, ये देखिए हमारी डॉल का लुक आ रहा है। अब जो थोड़ा बीच में हमें खुला खुला दिख रहा है तो ऊपर वाले जो हमारे हस्क हैं उसको हम थोड़ा सा खोलेंगे देखिए, और बस ग्लू लगा के बगल वाले को उसके ऊपर लगाएंगे। तो देखिए कितनी ईजी चिपक रहा है, मैंने हर थोड़ा सा ग्लू लगाया और बगल वाले को उसके ऊपर चिपका दिया। अब ऐसे ही हमें बस ध्यान ये देना है कि हर हस्क को हम ऊपर से लेके नीचे तक ग्लू नहीं लगाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले में पूरा लगाया था, इस वाले में मैं केवल नीचे के साइड में लगा रही हूँ, क्यों? अगर मैं ऊपर से नीचे लगाऊंगी तो इसकी शेप नीचे से थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका हस्क थोड़ा दूर है तो उसको किस अकॉर्डिंग लगाएं। जैसे अब ये देखिए उसके जस्ट ऊपर आ रहा है तो बस केवल नीचे के साइड में लगाएंगे, और अगर कोई थोड़ा दूर है हस्क तो उसको क्या करेंगे, उसको ऊपर से अटैच करेंगे। तो ऐसे ही बस लगाते लगाते देखिए हमारी स्कर्ट एकदम रेडी हो गई है। और हमें इसको नीचे बेस बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे जो हमने हस्क लगाए हुए हैं एक्स्ट्रा उसके बेस से बहुत ईजिली खड़ी हो जाती है। बस इसको हम इवन कर देंगे, नहीं तो ये टेढ़ी मेढ़ी खड़ी होगी। इसको इवन कर देंगे और जो हमारे ऊपर वाले हस्क थे वो भी थोड़े इवन कर देंगे हम। अब नीचे वाली स्टिक को हम देखेंगे डॉल को रख के, अगर हमारी स्टिक थोड़ी लंबी लग रही है, देखिए हमारी स्टिक थोड़ी सी लंबी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि डॉल थोड़ा सा इवन नहीं खड़ी हो रही है, तो स्टिक को थोड़ा सा मैंने कट किया है। अब देखिए एकदम परफेक्ट खड़ी हो गई है। अब इसकी स्कर्ट के ऊपर थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए 3-4 टाइम्स ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस को रैप कर देंगे ताकि यहाँ पे भी थोड़ी थिकनेस आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको रैप कर दिया है,
टू टाइम्स। अब ये थर्ड टाइम इसको हम रैप कर देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम हर्ट्स से बने हुए मैंने फ्लावर्स भी शेयर किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दूंगी। उसमें मैंने फिश और फ्लावर्स बुके बनाई हैं हर्ट्स से, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, आई बटन में चेक करिएगा। और वेस्ट चीज़ों से भी मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया है पहले, तो उसको भी चेक करिएगा। अब देखिए, बस मैंने छोटा सा एक पीस लिया और जो येलो येलो थ्रेड दिख रहा है उसको चिपकाने के लिए पीछे से इसको लगा देंगे। और आगे की तरफ से थोड़ा सा एक कट किया है मैंने हर्ट्स को, और एक ड्रेस की शेप दी है उसके लिए, थोड़ा सा कट करके पीस लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा कट किया पीस को, अभी आपको दिखाया था ये पीस हमने इसके ऊपर लगा दिया है। तो देखिए, थोड़ी सी अलग सी ड्रेस बन गई है इसके ऊपर से, और जो पीछे हमारा है निकला हुआ है उसको हम फिर से ग्लू से पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। और ऊपर जो हमारा पोर्शन थोड़ा सा खुला दिख रहा है उसको भी हम सेम हर्ट्स से कवर कर देंगे, ताकि हमारा नीचे वाले जो हर्ट्स के हैं वो बिल्कुल ना दिखें। अब देखिए, इसके हेयर्स बनाएंगे। हेयर्स आपको समझ में आ रहा है मैंने यहाँ क्या यूज़ किया है? जब हम कॉर्न को छिलते हैं तो उसमें से लंबे लंबे बाल टाइप के निकलते हैं ना, ये वही हेयर्स हैं। और बस थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाएंगे और हेयर्स को चिपकाते जाएंगे। ऐसे पूरा हम आगे और पीछे के साइड में पूरे हेयर्स को लगा लेंगे। देखिए, आगे भी लग गए हमारे, अब पीछे हमारा जितना पोर्शन खाली दिख रहा है इन पे भी सबको हम हेयर से एकदम कवर कर देंगे। ऐसे ही बस लगाएंगे, बहुत ईजली लगता है फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। ऊपर से भी थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे ताकि बस सिक्योर हो जाए, निकले ना। अब देखिए, हमारे आगे के साइड में हम सबको हेयर्स को करेंगे और थोड़ा सा एक इवन लुक देने के लिए इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे ताकि ये इवन दिखे। कटिंग करने के बाद सेम ग्लू की हेल्प से हम इसकी स्कर्ट पे नीचे रिबन, येलो कलर का रिबन लिया है मैंने, और पीछे से पहले कटिंग कर दी है, उसके बाद येलो कलर का रिबन यूज़ करके मैंने नीचे इसकी फ्रॉक पे फ्रिल बना दी है। और इसकी कमर पे भी मैं छोटा सा रिबन लगा रही हूँ यहाँ पे। देखिए, पीछे ग्लू लगाया और बस इसको चिपका दिया। बहुत ईजली फ्रेंड ये चिपक जाता है। ऐसे ही मैंने इसकी फ्रॉक में नीचे भी लगाया है। और आप हेयर पे इसको जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे मार्केट में ईजली अवेलेबल होते हैं। देखिए, ये ऐसे आते हैं और इनको बस आराम से निकालो, निकल जाते हैं। अब रिबन के ऊपर इसको मैं लगा दूँगी। देखिए, रिबन के ऊपर लगाया है और नीचे इसके जो मैंने छोटी सी डिज़ाइन बनाई थी इसकी ड्रेस की, उस ड्रेस के ऊपर भी सेम यही लगाऊंगी मैं। छोटे छोटे बीड्स टाइप के हैं ये, देखिए यहाँ पे भी लगा देंगे। ये पूरी एक लाइन में होते हैं, ये सब एक साथ अटैच होते हैं। अब देखिए, एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा हर्ट्स निकला दिख रहा है उसको कट कर देंगे। बट फ्रेंड, इसके जो हेयर्स हैं, मुझे ये स्टाइल मैंने बनाई तो है, बट ये मुझे थोड़ा अच्छी नहीं लग रही थी। मैं इसको और थोड़ा अच्छा लुक देना चाह रही थी अपनी डॉल को। तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए, मैंने इसकी फेस और आइज़ बना ली है, स्केच पेन से बनाई है मैंने, बहुत ईजली बन जाता है। इसको थोड़ा सा हंस के हेयर्स को लेके मैं इसको गोल गोल देके घुमाया है और जूड़े का शेप दिया है। अब देखिए, ऊपर मैंने जूड़ा बना दिया इसके। अब इसका लुक एकदम चेंज हो जाएगा। देखिए कितनी चेंज लग रही है। तो वाला लुक मुझे थोड़ा सा बेटर करना चाह रही थी उस लुक से, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया निकाल के। अब जो मैंने सेम हेयर पे यूज़ किया था उसको वहाँ से निकाल के इसके जूड़े के साइड में लगा दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कॉच इज डॉल रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।